नमस्कार, मैं धीरेंद्र सर, इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों का समय अच्छा कट रहा होगा और आप लोग इंग्लिश को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, पहले पढ़ा दिया है, झारखंड बोर्ड से रिलेटेड फ्लेमिंगो की एक कविता मैं पढ़ा चुका हूं। कविता पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। जो बच्चे जुड़ चुके हैं बड़ी अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो आप व्हाट्सएप से जुड़ें, या जो बच्चे जुड़ गए हैं वो अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा जितना भी वीडियो होगा वो आपके सामने आएगा। प्यारे बच्चों, मेरा एक बहुत पहले का एक ड्रीम था कि मैं सारे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं, नीडी चिल्ड्रेन हैं, या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो दूर दराज गांव में रहते हैं, उसको मैं कैसे पढ़ाऊं। तो अभी सरकार का जो लॉकडाउन चल रहा है तो सरकार की भी मंशा है कि ऑनलाइन क्लास के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए, तो मैं सारे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं और अधिक से अधिक बच्चे मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल से जुड़े और हमारी पढ़ाई का आनंद लें। और जो मैं व्हाट्सएप में क्वेश्चन आंसर भेजूंगा आप घर में बैठ करके कॉपी में उतार लेंगे और आप तैयारी करना शुरू करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद एक बार मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा और मैं देखूंगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को कितना सुंदर ढंग से वाच किया है और आपने क्या क्या सीखा है। नंबर टू, बच्चों मैंने इस बात को गौर किया, अभी दो वीडियो मैंने डाला है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है और वीडियो बड़ा हो जाने के कारण एक साथ आपका कंसंट्रेशन हो सकता है, नहीं बनेगा। तो अब मैं चाहूंगा कि जो भी मैं पार्ट पढ़ाऊं उसको पार्ट वाइज कर दूं, इसलिए आज मैंने इसका नाम लिखा है पार्ट वन। आज मैं आप लोगों को विस्तास बुक से एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। फ्लेमिंगो किताब की मैंने एक लेसन आपको पढ़ा दिया है, अब मैं चाहता हूं कि आपके सिलेबस में जो दूसरी किताब है विस्तास, उसके एक चैप्टर को मैं पढ़ा दूं, इसलिए मैंने यहां लिखा है विस्तास लेसन टू का पार्ट वन ये वीडियो है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ लेसन द टाइगर किंग व्हिच हैज बीन रिटन बाय काल्की। मैं पहले ही बताया था कि लिटरेचर जब आप पढ़ते हैं तो लिटरेचर के माध्यम से लेखक हमें कुछ न कुछ मैसेज पास ऑन करना चाहता है। इस कहानी के माध्यम से भी लेखक हमें कुछ मैसेज देना चाहेगा, जिसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। लेकिन आप जब बुक निकालोगे तो आप देखोगे कि इस कहानी को लिखने के पहले जो लेखक काल्की हैं उन्होंने हम लोगों से, समाज को, एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। मतलब जंगली जानवरों के प्रति हम मानवों का क्या दृष्टिकोण होता है। मैं चाहूंगा इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों करने का, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी जो लोग सीखता है उसमें सुन करके सीखने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मैं हमेशा अपने क्लासरूम में बताया करता हूं कि लैंग्वेज के चार स्किल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी व्हेनेवर यू लिसन एनी लैंग्वेज केयरफुली देन यू नो हाउ टू स्पीक। जब आप कोई भाषा को ध्यान से सुनते हैं तो ही आप उसको बोलना और लिखना सीखते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा दोनों मीडियम में कहानी को बात करने का।
तो जानवरों के प्रति इंसान का क्या नजरिया है, रोल है? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हमें कोई जंगली जानवर मिल जाए तो जनरली हम उसे मार देना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि लिटरेचर, साहित्य जो है वो सबके हित की बात करता है, इंसान के साथ साथ जानवर की भी चिंता उन्हें होती है। तो लेखक ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है जंगली जानवरों के प्रति इंसान के रवैये के बारे में, क्योंकि कार्की ने इस बात को महसूस किया कि आखिर जो भी जंगली जानवर हैं उसकी भी अपनी जिंदगी होती है, उनका भी अपना परिवार होता है। यूं ही हम अपनी शौक के लिए किसी जानवरों को मार देना यह अच्छी बात नहीं है। इस कहानी का जो बैकग्राउंड है वो मैं बताना चाहूंगा कि राजतंत्र, अभी हमारा देश की जो पद्धति है वो प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, और पहले चलता था राजतंत्र। राजतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर क्या है कि राजतंत्र जिसमें राजा का तंत्र होता था, राजा का शासन होता था, और राजतंत्र में एक बड़ी बात क्या थी कि राजा का बेटा ही फिर राजा बनता था। प्रजातंत्र में प्रजा मालिक है, जनता जिसे चाहती है उसे अपना शासक बनाती है। जैसे भी पूरे देश ने मोदी जी को अपना शासक चुना है, तो राजतंत्र के जमाने में एक अजीब सा शौक हुआ करता था राजघरानों में। वो शौक क्या था कि राजा या राजा से संबंधित उसके परिजन जंगल जाया करते थे और अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए वो निर्दोष जंगली जानवरों की हत्या किया करते थे और उसका नाम देते थे आखेट खेलना, शिकार खेलना। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यंग है। किसी की जान लेना और उसको खेल का नाम देना, यह कहां तक जायज है, इसके बारे में इस कहानी में लेखक ने हमसे बात किया है। तो पहले ही मैं बता दूं कि दिस स्टोरी इज ए सटायर, सटायर, इस वर्ड को आप बढ़िया से समझेंगे। सटायर, सटायर का मतलब होता है व्यंग, व्यंग का मतलब उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना। तो इस कहानी में आप देखेंगे कि लेखक ने किसका मजाक उड़ाया है या इस मजाक के माध्यम से, इस सटायर के माध्यम से लेखक समाज को क्या मैसेज देना चाहता है। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कहानी में कैरेक्टर होता है, जैसे आप सिनेमा जब देखते हो तो उसमें भी कैरेक्टर होता है, हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, विलेन होते हैं। यहां भी आपको कैरेक्टर स्टोरी में मिलेगा। फिलहाल इस कहानी का जो कैरेक्टर है उसमें मेन तीन कैरेक्टर आपको दिखाई देगा, सर जिलानी जंग जंग बहादुर जो प्रतिबंधपुरम राज्य के महाराजा यानी राजा है, दूसरा एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषी की भूमिका है, और थोड़ा बहुत आपको दीवान की भी भूमिका मिलेगी। दीवान क्या, जो राजा का मेन हैंड होता है। अब मैं डायरेक्ट स्टोरी पर आऊंगा बच्चों। दिस इज द स्टोरी ऑफ प्रतिबंधपुरम। यह कहानी प्रतिबंधपुरम राज्य की है। किसी जमाने में प्रतिबंधपुरम राज्य हुआ करता था, उसके राजा होते थे, एंड वन डे ए चाइल्ड वॉज बॉर्न इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम। और कहानी की शुरुआत होती है कि एक दिन राजा के घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ। व्हेन द चाइल्ड वॉज बॉर्न एन एस्ट्रोलॉजर वॉज कॉल्ड
टू टेल द प्रोफेसी ऑफ द चाइल्ड। जैसा कि हमारे यहां भी रीति रिवाज है, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे क्योंकि अंग्रेजी के जस्ट बाद में हिंदी बोलूंगा। हमारे यहां भी जैसे नियम है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग ज्योतिषी या ओझा को बुलाते हैं, बच्चे का नामकरण संस्करण नामकरण के लिए, बच्चों की ग्रह नक्षत्र जानने के लिए। तो राजा ने भी राज ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि महाराज आप मेरे इस बच्चे का नाम रखिए और उसके भविष्यवाणी के बारे में बताइए। इस बच्चे का नाम बड़ा विचित्र नाम है। जो राजा के यहां जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया सर जिलानी जंग जंग बहादुर। ऐसे अगर आप बुक में इसका नाम देखेंगे तो पहले जमाने में जो राजा होते थे उसका एक बड़ा लंबा नाम होता था, उसके नाम के पहले बहुत बड़ा विशेषण लगा होता था। तो इसमें भी आप देखेंगे उनका जो नाम है जमींदार जनरल खेलदार मेजर सत्य व्याघ्र समाहारी महाराजाधिराज विश्वभूषण सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर। आप नाम सुनकर के आपको बड़ा मजा आया होगा। फिलहाल उनका नाम हम जानेंगे सर जिलानी जंग जंग बहादुर, जो आगे चल करके टाइगर किंग के नाम से जाना गया। अब ज्योतिषी को उस बच्चे का भविष्यवाणी करना था। उस ज्योति ने कहा कि महाराज दिस चाइल्ड विल बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट महाराज आपका बच्चा नायकों का नायक, योद्धाओं का योद्धा, वीरों का वीर बनेगा। लेकिन राजा ने पूछा कि महाराज आपने हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में इतना सुंदर बात बताया, लेकिन आपने ये परंतु या लेकिन शब्द क्यों, लेकिन के बाद वाली लाइन को बताइए। जैसा कि हम सबको पता है कि लेकिन के बाद वाला लाइन जो होता है बड़ा डेंजरस लाइन होता है। महाभारत में भीष्म पितामह हमेशा किंतु परंतु से डरते थे। तो राजा ने कहा, ज्योतिषी ने कहा, बट द चाइल्ड विल डाई वन डे, ही विल नॉट कंप्लीट हिज लाइफ। ये बच्चा मर जाएगा, ये अपने जीवन को पूरा नहीं। अब ज्योतिषी की इस भविष्यवाणी करने के बाद पूरा सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा कि ज्योतिषी जी आपने हमारे बच्चे के बारे में इतनी अच्छी भविष्यवाणी की, लेकिन यह आपने क्या कह दिया, प्लीज टेल मी द सीक्रेट ऑफ द डेथ ऑफ माय चाइल्ड। कृपया करके आप मुझे मेरे बच्चे की मृत्यु का राज बता दीजिए। मैं राजा हूं, हो सकता मैं कोई उपाय कर लूं। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज टू टेल द प्रोफेसी इज आवर वर्क, इज माई वर्क इज नॉट टू टेल द सीक्रेट ऑफ द डेथ ऑफ योर चाइल्ड। भविष्यवाणी करना हमारा काम है, लेकिन राज बताना हमारा काम नहीं है। सो सॉरी, आई कैन नॉट टेल यू द सीक्रेट ऑफ योर चाइल्ड्स डेथ। मैं आपके बच्चे कि मृत्यु का राज मैं आपको नहीं बता सकता। जहां भविष्यवाणी चल रहा था वहां पूरी सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक एक अ साउंड वाइब्रेट्स इन द हॉल इन द रूम। अरे ओ वाइज प्रोफेट्स, एवरीवन वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, स्तब्ध हो गए। ये आवाज कहां से आई, किसने कहा, क्योंकि टोन बड़ा हार्ड था। सबको एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, लेकिन कोई किसी ने कहा ही नहीं। तो फिर से द चाइल्ड हु वाज ओनली 10 डेज ओल्ड, वो बच्चा जो मात्र 10 दिन का था, पालने में सोया हुआ था, वो कहता लुक एट मी, इट इज I, who is telling this sound?
दिस वर्ड, मैं हूं मैं, मेरी ओर देखो। जैसे ही सारे लोगों की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो एवरीवन वाज शॉक्ड टू नो हाउ कैन ये चाइल्ड ऑफ ओनली 10 डेज ओल्ड स्पीक सो क्लियरली। सब लोग अवाक रह गए कि मात्र 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। इट वॉज ए मिरेकल, एक चमत्कार था। वो 10 दिन का बच्चा जिसकी भविष्यवाणी किया जा रहा है, वो प्रोफेसर स्ट्रोजर को चैलेंज करता है कि मेरी ओर देखो, अरे वो चतुर पादरी। जैसे ही पादरी ने उस बच्चे की ओर देखा, बच्चे ने कहा, आई डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, गो बैक टू योर होम। ज्योतिषी जी, मुझे आपकी भविष्यवाणी नहीं चाहिए, आप घर गए। एवरीबडी हैज टू डाई वन डे हु इज बोर्न ऑन दिस अर्थ। दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं, सबको एक न एक दिन मरना पड़ता है। तो ये आपने जो कह दिया कि मेरी मृत्यु होगी, तो मैं भी तो आपकी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपकी भी मृत्यु हो। तो मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी में बिलीव नहीं करता हूं। इफ यू आर रियल एन एस्ट्रोलॉजर, देन टेल मी द सीक्रेट ऑफ माई डेथ, अदरवाइज गो बैक टू योर होम। वो बच्चा उस ज्योतिषी से एक प्रश्न पूछता है कि अगर वास्तव में आप ज्योतिषी हो तो आप मुझे मेरी मृत्यु का राज बताइए, अगर बता सकते हैं बताइए, अदरवाइज आप घर जाइए, आई डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, मुझे आपकी भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। द एस्ट्रोलॉजर वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज हाउ टू रिप्लाई द आंसर। ज्योतिषी को पता था कि मेरा काम ज्योतिषी करना है, राज बताना नहीं है, लेकिन ए चाइल्ड ऑफ ओनली 10 डेज ओल्ड वॉज रेजिंग ए क्वेश्चन ऑन माई एस्ट्रोलॉजी। मात्र 10 दिन का बच्चा हमारे ज्योतिषी पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। अगर मैं सबके सामने में अगर इसके मौत का राज नहीं बताऊं तो लोग समझेंगे कि वास्तव में बच्चा सही क्वेश्चन पूछ रहा है। Then the astrologer told that this child was born in the star of bull, and bull and tigers are enemies to each other, so this child will be killed by a tiger. जैसा इस कहानी का नाम है टाइगर की। ज्योतिषी ने कहा कि इस बच्चे का जन्म बुल नक्षत्र में हुआ। याद रखना है किस स्टार में हुआ है, बुल स्टार में। और बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए इस बच्चे का मृत्यु का कारण बाघ होगा। भविष्यवाणी हो गई। इतना सुनने के बाद ही वो बच्चा घुर्राता है और कहता है कि जितने भी प्रतिबंधपुरम के टाइगर हो, सावधान हो जाओ। यह कहानी भविष्यवाणी वाली बात हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद उस बच्चे का लालन पालन किया जाने लगा। दिस चाइल्ड वॉज लुक्ड आफ्टर इन द सर्कमस्टांस ऑफ एन इंग्लिश बैकग्राउंड। उस बच्चे का लालन पालन पूरी तरह से अंग्रेजी परिवेश में किया गया। ऐसा माना जाता है कि उस समय अंग्रेजों का पदार्पण हमारे देश में हो चुका था। This child was looked after by an English nanny. He drank only the milk of an English cow. He was taught English by an English man. And this continued till that time when he became 20 years old. उस बच्चे का लालन पालन अंग्रेजी गाय का दूध पिया उस बच्चे ने, अंग्रेजी दाई ने उसका लालन पालन किया, अंग्रेज उसके शिक्षक बने, और ये 20 वर्ष तक चलता रहा। और जैसा कि हमारे देश की परंपरा है कि राजघराने में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको राज्याभिषेक करा दिया जाता है, एंड व्हेन
द चाइल्ड बिकेम 20 ईयर्स ओल्ड ही वॉज अनाउंस द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम एंड ही वॉज कॉल्ड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। लेकिन एक बात इस जगह बच्चों याद रखना है कि नो मिरेकल हैपेंड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। एक चमत्कार जो पहली बार हुआ कि 10 दिन की उम्र में ही बच्चे ने बात करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद से कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक बच्चे की तरह उसका लालन पालन हुआ और जैसे ही उसकी उम्र 20 साल हो गई वह प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। कहां का? प्रतिबंधपुरम। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है कहानी से आप लोग जुड़ रहे होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ध्यान से सुनोगे बड़ा मजा आएगा। When he became the king, जब वो राजा बन गया तो उसके राज्य में सारे लोग उस भविष्यवाणी को याद करने लगे कि राजा तो मर जाएगा। People began to murmur about the prophecy of an astrologer। पूरे राज्य में लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे कि उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी का क्या होगा। बाकी राजा का बेटा था, जैसा कि ज्योतिषी ने कहा था कि हीरो बनेगा, वॉरियर्स बनेगा, चैंपियंस बनेगा, बड़ा बहादुर राजा था ही वो। जब उसके मंत्रियों ने आकर के राजा को बताया कि महाराज इस प्रकार की र्यूमर्स राज्य में उड़ रहा है कि आपकी मौत एक टाइगर से होगी, तब तक शायद बच्चा अपने भविष्यवाणी के बारे में भूल चुका था। राजा बड़े घमंडी हुआ भी करते थे, राजाओं की प्रॉब्लम ही होती थी। जैसे ही राजा ने सुना कि मेरी मौत टाइगर से होगी, उन्होंने कहा कि टू किल ये काउ इन सेल्फ डिफेंस इज नॉट ए सिन। गाय मारना अपराध होता है, लेकिन राजा तर्क देता है कि आत्मरक्षा में अगर गाय की भी जान लिया जाए, गाय को भी मार दिया जाए, तो वो पाप नहीं होता है। एंड आई हैव टू किल ये टाइगर। टाइगर मारना तो राजाओं का शौक और शान होता है। राजा बड़े घमंडी थे, उन्होंने सुना कि मेरी मौत टाइगर से होगी। एक दिन वो जंगल गया और जंगल में जाकर के उन्होंने एक टाइगर को मारा और उस टाइगर को घसीट करके ले आया। उन्होंने अपने दूत को भेजा कि जाओ उस ज्योतिषी को बुला करके ले आओ जिन्होंने हमारी भविष्यवाणी की थी। ज्योतिषी को बुला करके लाया गया। बेचारा 20 साल के बाद, तब तक वो बूढ़ा हो चुका था, ही वॉज ट्रेम्बलिंग, वो कांप रहा था। राजा ने कहा है ज्योतिषी, यू हैव टोल्ड दैट आई विल बी किल्ड बाय ए टाइगर। लुक एट दिस, आई हैव किल्ड दिस टाइगर, व्हाट यू से नाउ? तुमने तो मेरी भविष्यवाणी किया था कि मेरी मौत बाघ से हो जाएगी, लेकिन देखो मैंने इस बाघ को मार दिया है, अब तुम इसके बारे में क्या कहते हो? ज्योतिषी कांप रहा था, उन्होंने कहा योर मैजेस्टी, यू कैन हंट 99 टाइगर इन दिस मैनर। महाराज आप इतने ताकतवर हो कि 99 बाघ तो आप ऐसे ही मार सकते हो, बट राजा ने कहे बट नहीं, बट के बाद वाले लाइन बोली। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज बट यू विल हैव टू बीवेयर ऑफ द 100 टाइगर, बिकॉज 100 टाइगर विल बिकम द कॉज ऑफ योर डेथ। महाराज 100वां बाघ आपकी मौत का कारण बनेगा, 100वें बाघ से आप सावधान रहिएगा, 99 बाघ आप मार सकते हो। ज्योतिषी ने कहा इफ आई किल द 100 टाइगर देन द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, महाराज इफ यू किल 100 टाइगर देन आई विल टियर अप माई एस्ट्रोलॉजी बुक, सेट इट टू फायर, आई विल कट अप माई टफ्ट एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट। महाराज जब राजा ने कहा कि ज्योतिषी अगर मैं 100 बाघ मार दूं तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज अगर आप 100 बाघ को मार दीजिएगा उस दिन से मैं अपनी ज्योतिषी की पूरी किताब को फाड़ करके आग के हवाले कर दूंगा और अपनी
रखा, ब्राह्मणों का जो एंटीना होता है उसको मैं कटा लूंगा, बाल मुड़वा लूंगा और उस दिन से मैं ज्योतिषी का काम छोड़ दूंगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट यानी दलाल बन जाऊंगा। ज्योतिषी बड़ा आवेश में आकर के उन्होंने राजा को कहा, राजा ने कहा कि ठीक है ओके, ना आई विल मीट यू आफ्टर किलिंग 100 टाइगर, गो बैक। ठीक है, अब मैं 100 बाघ मारने के बाद आपसे मिलूंगा, अब आप घर जा सकते हो। उस दिन राजा ने पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करवा दिया कि फ्रॉम टुडे नोबडी विल किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम एक्सेप्ट द किंग। आज के बाद प्रतिबंधपुरम राज्य के जंगलों में जितने भी बाघ हैं मेरे सिवाय कोई नहीं मारेगा, और अगर मारना तो दूर की बात, अगर हमारे राज्य के कोई भी लोग अगर एक पत्थर भी एक ढेला भी अगर बाघ की तरफ फेंकता है और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी संपत्ति सीज कर ली जाएगी और उसे कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि राजा का जब फरमान जारी हो जाता है तो किसकी मजाल है, एंड फ्रॉम दैट डे द किंग स्टार्टेड किलिंग टाइगर, और उस दिन के बाद से राजा बाघ मारना शुरू कर दिया। और क्या मिनट चले, दिक्कत नहीं, राजा बाघ मारना शुरू कर दिया। व्हेनेवर द किंग गोज टू द फॉरेस्ट ही किल्स टाइगर्स, मेनी टाइम्स ही मिस्ड हिज मार्क, द टाइगर अटैक्ड ऑन हिम बट एवरी टाइम द टाइगर वॉज किल्ड। कई बार ऐसा भी होता था कि राजा जब जंगल बाघ मारने के लिए जाते थे तो बाघ उस पर अटैक कर देता था, लेकिन प्रत्येक बार बाघ ही मारा जाता था और राजा जीतता था। और इस प्रकार राजा ने बाघ मारना शुरू कर दिया। और अब नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।